अच्छा पुढे येणारे कलाकार अजून खूप बुजुर्ग आहेत. पंडित कार्तिक कुमारजी यांच्याबद्दल मी एवढंच सांगू शकेन की जवळजवळ 60 वर्ष ते संगीत क्षेत्रात आहेत. फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये जवळजवळ 48 वर्ष ते वाजवत आहेत. आणि पंडित कार्तिक कुमार यांना 1958 राष्ट्रपती पुरस्कार मिळालेला आहे. मी त्यांना रिक्वेस्ट करेन श्री पंडित कार्तिक कुमारजी यांना स्टेजवरती येण्याची. महाराष्ट्र सारे हिंदुस्तान को बहुत कुछ दिया है. सारे हिंदुस्तान से महाराष्ट्र में हर प्रकार के व्यक्ति यहाँ महाराष्ट्र में आए थे और यहाँ जॉश बोलिए, नाम बोलिए, कुछ भी बोलिए, बनने का मतलब बन जाता है. ये धरती ऐसे हैं तो यहाँ सब बन गए हैं आगे. वही हिसाब से जय महाराष्ट्र हमने बताया आपको. और दूसरी बात ये है जो मेरा जो संगीत के अंकुश जी बताया, मैं 4 जनरेशन का हूँ, 4 पीढ़ियों का सितार वादक हूँ, लेकिन शास्त्रीय संगीत के बचपन से शास्त्रीय संगीत ही सीखा. मेरा दादा परदादा इन लोगों ने आगरतला महाराजा का राज वादक थे, कोर्ट म्यूजिशियन जिसको बोलते हैं, और मेरा पिताजी ढाका रेडियो में नौकरी करते थे, सितार बजाते थे. तो उनके बाद तो पिताजी 3 जनरेशन थे, पिताजी 3rd जनरेशन और मैं 4th जनरेशन. और मेरा जो एकमात्र लड़का है बेटा, वो नीलाद्री कुमार, वो 5th जनरेशन है. और हम लोग थैंक यू, तो 5th जनरेशन शास्त्रीय संगीत ही बजाया हम लोगों ने. लेकिन ढाका से बोल रहे हैं, मतलब ईस्ट बंगाल तभी का, ढाका में हमारा जन्म हुआ और था. फिर पंचमदा और बरमंदा तो वही इलाके के हैं, वो लोग मतलब सेम उसमें है, ईस्ट बंगाल के ही हैं, वहीं से हम आते हैं. तो मेरा बॉम्बे में आना हुआ, पंडित रविशंकर जी मेरा गुरु, उन्होंने मुझे लेके आए थे 1960 में. तो 1957 में जो 58 में उन्होंने बताया जो प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल मिला था, वो तो यंग आर्टिस्ट के हिसाब से मिला था. कुछ रेडियो आकाशवाणी संगीत सम्मेलन में फर्स्ट आया था. प्रथम पुरस्कार लेने के लिए दिल्ली गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से स्वर्ण पदक लिया. लेकिन वो तो जवानी, मतलब 20-21 साल की उम्र था मेरा. आज मैं 70 साल का हो गया हूँ. तो वो हिसाब से इतने साल निकल गए. तो 60 में पंडित रविशंकर जी हमको जब यहाँ ले आए तो उन्होंने जो कुछ भी हुआ यहाँ आने के बाद में, फिर देखा जो यहाँ का जो फिल्म मीडिया, ये एक ऐसी जगत है फिल्म चित्रपट की जगत, जो ये जगत के बगैर कोई भी मनुष्य के चारा नहीं होता है. इसका प्रमाण है क्योंकि जितने भी क्लासिकल आर्टिस्ट वर्ल्ड कॉन्करर आज के ज़माने में हम देखते हैं, इन लोग सब फिल्म म्यूजिक, फिल्म के सराउंडिंग में ही, मतलब इन लोगों का आना जाना, मतलब हवा वहाँ का भी था इनके साथ. बरोबर. तभी उन्होंने परफेक्शन के लिए जो भी कुछ बताइए आप, तो ये डबल एक्शन जिसको बोलते हैं,
शास्त्रीय संगीत एक एक्शन और फिल्म म्यूजिक चित्रपट संगीत में जाने से उनका जो नया एक जगत का एक्सपीरियंस होता है उसमें उनको डबल एक्शन होता है, तो दूसरा जानकारी मिलते हैं, क्योंकि हर एक कलाकार शास्त्रीय कलाकार ये फिल्म म्यूजिक का अनुभव नहीं रख सकते, नहीं रखते। यहाँ का पद्धति अलग है, यहाँ बजाना अलग होता है, यहाँ समय का पाबंदी होता है, दूसरे का संगीत बजाना पड़ता है अपने हिसाब से, 4 घंटा 5 घंटा क्लासिकल म्यूजिक महफिल बजाया तबले के साथ, वो सब नहीं चलता है। यहाँ एक 30 सेकंड का, 15 सेकंड का, 20 सेकंड का पीस होता है, उसमें बेस्ट मधुर और अच्छा टेक्निक जो म्यूजिक डायरेक्टर बताते हो बजाना पड़ता है, तो इसलिए बहुत कठिन काम होता है, वो सब सबके बस की बात नहीं है। कार्तिक जी, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने दोनों जनरेशन देखे, दो जनरेशन मतलब बर्मन दादा और पंचम, दोनों का म्यूजिक में आपने काम किया है जी, तो क्या फर्क था दोनों में, और या फिर क्या सिमिलरिटीज थी? दादा बर्मन के बारे में आप पहले कुछ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जहाँ तक मुझे अनुभव हुआ, क्योंकि बर्मन दादा ये महान व्यक्ति थे, तो मैं समझता हूँ आज भी है उन लोग, उनका संगीत ऐसा है जब भी गाना होते आदमी चौंक जाते, ऐसा संगीत उनका था। तो बर्मन दादा का फोक म्यूजिक उनका प्राण था, और क्लासिकल म्यूजिक तो था ही, लेकिन फोक म्यूजिक जो है उनके लिए वो उनका प्राण था। तो फोक म्यूजिक और क्लासिकल म्यूजिक, शास्त्रीय संगीत, ये बर्मन दादा का दोनों चीज़ को बहुत मतलब उनका आत्मा ही था, फोक वो था अपना संपत्ति। और आर डी बर्मन उनका बेटा जो पंचम, जो जगत विख्यात हुए हैं, नोबेल्टी दिखाए दुनिया को, दुनिया को रास्ता भी बताया उन्होंने, इतने कम उम्र में क्या क्या चीज़ करके गए, आप लोगों ने सब देखा, एक एक गाना, एक एक इंस्ट्रूमेंट कैसे प्रयोग किया। तो उनका तीन चीज़ था, शास्त्रीय संगीत और अपना ये फोक म्यूजिक, लोक संगीत जिसको बोलते हैं, और वेस्टर्न म्यूजिक। आपने देखा वेस्टर्न म्यूजिक में कैसे उन्होंने उनका इन्फ्लुएंस कैसे किया, सब कुछ किए थे। तो तीन संगीत का मतलब स्टाइल का उनका बहुत बड़ा पावर था उनका। दादा बर्मन के पास आपने जो काम किया है उसके बारे में आप थोड़ा सा पानी, सॉरी बोलिए, दादा बर्मन के साथ जो आपने काम किया है उसका कुछ हाईलाइट आप बता सकते हैं, कोई एक पर्टिकुलर गाना जिसका जिक्र आप करना चाहेंगे? तो दादा बर्मन दादा के साथ में मेरा पहला मुलाकात जो हुआ, क्या वो 1960 में जब बॉम्बे आए, उसके बाद उनका ही वहाँ से मुझे थोड़ा सा ऐसे ही बुलाया गया था। उस टाइम में गाइड पिक्चर का सेटिंग शुरू हो रहा था, कंपोजिशन शुरू हो रहा था, तो करीब वो मेरे ख्याल से 60-61 की बात है, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। तो देव साहब थे, बर्मन दादा, पंचम जी, इन लोग सब थे, उनका असिस्टेंट लोग, तो सितार मैं लेके गया फर्स्ट, तो बंगाली बाबू थे और बहुत दयावान थे, दया था उनका, लविंग पर्सन। तो मुझे थोड़ा हिम्मत हुआ जो ठीक है, बम्बई में नए नए आए तो घबरा जाते आदमी उस टाइम में, इतने बड़े शहर, हर वातावरण अलग है ना, कलकत्ता से अलग था। तो थोड़ा हिम्मत करके उन्होंने वो गाइड का वो पिया, तो उससे नैना लगे थे गाना का, वहाँ चल रहा था सीटिंग, तो म्यूज़िक कंपोजिशन होगा वहाँ, तो सितार लेके बैठे हैं, तो सितार उठाया, तो फोक म्यूज़िक होने से थोड़ा आसान लगा हमको, आसान मतलब थोड़ा ऐसा बजाने में थोड़ा लगा, तो कुछ बजा रहे हैं, तो वो गाने को बजाने लग गया था मैं। तो जब बजा रहे तो बर्मन दादा खुश हुआ, बोलते वाह वाह सितार में ऐसा ही बजना चाहिए, ठीक है। तो वो दिन मुझे थोड़ा सा हिम्मत आया, तब से वो गाइड पिक्चर का गाना पहला गाना था मेरा यही चित्रपट जगत में, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में,
उसके बाद में लाइन लग गया था। फिर जितने भी म्यूज़िक डायरेक्टर हुए हैं ये हिंदुस्तान में, ये बॉम्बे सिटी में, सभी लोगों के साथ में हमने सितार का काम किया, थोड़ा कम ज़्यादा। सितार का काम ऐसा भी काम होते थे, क्लासिकल म्यूजिक का ज़्यादा तो उतना छोटे छोटे नहीं होता है ना, लेकिन एक भी म्यूजिक डायरेक्टर कोई बाकी नहीं है हिंदुस्तान में जिनके साथ में कार्तिक कुमार नहीं बजाया। क्या बात है, ये इसके लिए मैं बहुत, आज भी मैं बहुत प्राउड मानता हूँ, अपने आप को बहुत खुश समझता हूँ, खुश नसीब समझता हूँ, बस यही है। तो क्यों ना लोगों को वो पिया तो से नैना लगे सुनाएंगे। पिया तो से नैना लगे लोगों ने तो सुना है, बट एक्चुअली रिकॉर्ड पे जो गाना है दैट एक्चुअली स्टार्ट्स फ्रॉम आई होली आई, जो फर्स्ट पार्ट जो है सिर्फ पिक्चर में है विच इज़ नॉट अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड, उसका आपको मुखड़ा और एक अंतरा जरूर सुनाना चाहेंगे। दिस इज अनहर्ड पार्ट। तो फैंटास्टिक सितार जो था, शायद आप सितार लेके आए हैं और आपको ऐसे छोड़ नहीं सकते, आप यही गाना थोड़ा इम्प्रोवाइज करके लोगों के लिए। मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन इतने साल पहले की बात है, जो भी कुछ है आपके सामने रखता हूँ थोड़ा बहुत। तो मेरा एक दूसरी बात कहना था, जो बर्मन दादा का ये पिया तुसे नैना लगे रे गाइड का पहला गाना मेरे, मैं शुरुआत मेरा हुआ, मेरा मतलब बिगिनिंग जो हाथे खड़ी बोलते हैं ना, जो ABCD लिखते को मैं शुरू करता हूँ, जैसे ऐसा हो गया मेरे लिए। तो वो गाना मैं बजाने के बाद में फिर पंचम जी के भी सब पिक्चर का काम मैंने किया था, तो उसमें पिताजी से शुरू हुआ, बर्मन दादा से शुरू किया, और RD बर्मन पंचम से मैंने बंद किया बजाना फिल्म इंडस्ट्री में। कैसे बंद किया, बहुत सारे बजाए क्लासिकल में, थोड़ा बहुत इधर उधर बिजी था, बजाता था थोड़ा बहुत, लोग डिमांड भी करते, तो क्लासिकल बजाने से आदत एक जा हो जाता है ना, फिर फिल्म म्यूजिक में बजाने के लिए टाइम भी नहीं मिलता था, फिर जो भी है वो पर्सनल बात हो गया। तो वो जो महबूबा पिक्चर है ना, वो महबूबा में जो लास्ट मेरा पिक्चर था वो, उसके बाद में और मैं पंचम का कोई रिकॉर्डिंग नहीं बजाया था, तो दैट वाज द लास्ट बर्मन दादा का और पंचम का। जरूर वो गाना भी सुनेंगे, बट उसके वो पहले गाना भी सुनेंगे बाद में, उसके पहले तो अभी ये पिया लोग बेताब है, मेरा थोड़ा छेड़छाड़ कर देता हूँ थोड़ा सा। थैंक यू। Thank you.
ऐसा आपने ढंग से थोड़ा कोशिश कर बजा रहा हूँ, हाँ उसमें थोड़ा सा आपने ढंग से थोड़ा सा मैं वो करता हूँ। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। फैंटाबुलस दादा, अभी आपने जिक्र किया था महबूबा फिल्म का, पंचम अनफॉर्चुनेटली जाना गया था वेस्टर्न टाइप का म्यूजिक डायरेक्टर, बट आई थिंक आप जैसे बुजुर्ग लोग या फिर भूपी जी जैसे बहुत करीबी दोस्त और बड़े म्यूजिशियंस म्यूजिक डायरेक्टर्स, ये लोग ऑलवेज बात करते कि पंचम का क्लासिकल बेस इतना स्ट्रांग था कि जब वो क्लासिकल बनाता था तो इट यूज टू बी द परफेक्ट क्लासिकल। आई वॉन्ट टू नो यूर फीलिंग अबाउट इट। तो आई थिंक महबूबा में जो गाना है जो मन्नाडे साहब ने गाया है, गोरी तोरी पंजनिया, जनरली महबूबा के गाने इतने अच्छे हैं कि ये दिस पर्टिकुलर सॉन्ग थोड़ा इट वॉज लेफ्ट बिहाइंड अनफॉर्चुनेटली, उसके बारे में। गाना सुनने के पहले ये दो शब्द मैं बोल देता हूँ,
ये जो पंचम एब्सोल्युटली 100% जीनियस पर्सन थे, क्योंकि इनका म्यूज़िक जब भी म्यूज़िक कंपोज करते थे और म्यूज़िक प्रोड्यूस करते थे, चाहे सिंगर हो, चाहे म्यूजिशियंस हो, चाहे एनीबॉडी, सब खुश होते थे क्योंकि इतना सो वर्सटाइल। तो क्या हुआ, तो उनका कंपोजिशन में, जैसे कि मैंने पहले कहा था, जो क्लासिकल म्यूज़िक और फोक म्यूज़िक और वेस्टर्न म्यूज़िक, ये तीनों का समन्वय ये आर डी बर्मन ने बहुत अच्छे ढंग से किया है। आप जब क्लासिकल रिकॉर्डिंग, क्लासिकल सॉन्ग आप देखोगे, सुनोगे, जैसे आप मन्ना डे का एक सॉन्ग अभी आपको सुनाएंगे अंकुश जी, उसमें आप देखिए जो संपूर्ण क्लासिकल का जो अंग है, सिंगिंग स्टाइल, इंस्ट्रूमेंटल प्लेइंग स्टाइल, रागादारी, एवरीथिंग इज सो परफेक्ट। तो वो 3 मिनट 4 मिनट में फिल्म के जरिए से उन्होंने इतना अच्छा क्लासिकल महफिल जमा दिया जो कोई सोच भी नहीं सकता है, जो आदमी वो क्या उनका क्वालिटी होगा। यस, मुखड़ा प्लस एक अंतरा सुनेंगे। पैजनिया पैजनिया गोरी तोरी पैजनिया पैजनिया गोरी तोरी पैजनिया मन के खोले भेद सजनिया मन के खोले भेद सजनिया गोरी तोरी पैजनिया गोरी तोरी पैजनिया पैजनिया गोरी तोरी पैजनिया क्लासिकल, इतना प्योर क्लासिकल। आई थिंक दिस वाज विद कर्नाटक संगीत का थोड़ा सा आभास दिया था पंचम ने। कर्नाटक संगीत के नहीं, वो कर्नाटक रिदम का, okay. वही मतलब जो भी है, तो उसमें उन्होंने क्या किया डांस में, साउथ इंडियन कर्नाटक मृदंगम यूज़ किया उन्होंने। बाकी जो
पूरा क्लासिकल बेस ये राग जो है ना मिश्र राग में किया, इसमें प्योर मधु वृंदावनी सारंग है, तो वृंदावनी सारंग में उन्होंने मियाँ मल्हार को प्रयोग किया। मतलब क्या, वृंदावनी सारंग में धैवत नहीं लगता है। अभी क्या हुआ तो जैसे कि और कोमल गांधार का प्रयोग नहीं किया ज़्यादा, तो वही हिसाब से सारंग का प्रकार का भाव ज़्यादा है और मियाँ मल्हार का भाव थोड़ा सा कम है, तो दोनों का मिश्रण करके उन्होंने ऐसा पवित्र इतना ब्यूटीफुल म्यूजिक बनाया है। तो सारंग और मल्हार दोनों का मिश्रण का है ये राग। अब मैं जो बोला पवित्र जो बोला वो तो, और इसमें बहुत अच्छा लगा, इसमें बहुत अच्छा लगा। यस, इट वाज अ वेरी गुड फ्रेज। प्योर राग में तो कितना बड़ा कलाकार होगा, कितना जानकार होगा, कितना उनको नॉलेज होगा शास्त्रीय संगीत में, जो शुद्धता मतलब जैसे कि सा रे म प नी सा नी प म रे सा नी नी प म प नी सा, ये पूरा सारंग में नी नी सा नी द नी सा मियाँ मल्हार का अंग चलता है उसमें। क्या बात। तो एनीवे, तो इसमें मुझे खुशी इसलिए है, आज मैं आया आपके सामने में, मुझे बहुत गर्वित हो रहा हूँ और बहुत आनंद हम मुझे मिल रहा है, क्योंकि ये गाने में मेरा आखिरी गाना था, इसके बाद मैंने बजाया नहीं था, लेकिन ये गाने में एक बहुत अहम चीज़ है जो आप दुनिया को हम बताना चाहते हैं। तो अंकुश जी और ये पंचम मैजिक का जो संस्था है, इनका मैं आभारी हूँ जो उन्होंने मुझे बुलाया है और ये मौका दिया आपको बताने के लिए। आपको मतलब हमने इसको बताएंगे जो मैं क्या किया था, लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते, इसका मतलब है फिल्म में जो हम लोग बैकग्राउंड में बजाते हैं, गाने में बजाते हैं, वो पर्दे के पीछे बजाते हैं, तो इसलिए कहा जाता है जंगल में मोर नाचा किसने देखा, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, क्योंकि ये जो बजाया उसमें नाम भी नहीं है, निशाना भी नहीं है, लेकिन इसमें एक बहुत अहम चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो चार आदमी का काम था, ये गाना जब ख़त्म हो जाता है, उसको कोरा म्यूजिक बोलिए कुछ भी बोलिए, पूरा डांस का सीक्वेंस है, वो कंपटीशन सीन है दरबार में, इतने इम्पॉर्टेंट सीन है वो, आप खुद देखेंगे उसमें तो आप चौंक जाएंगे जो कैसा था। तो उसमें कौन कौन थे, सितार तो कार्तिक कुमार ने बजाया था, और नाचा स्टूडियो में रिकॉर्डिंग के टाइम में गोपी जी आके, गोपी किशन सर, ग्रेट गोपी किशन, वो रहा नहीं है, और तबला बजाया था पंडित शांता प्रसाद जी ने, जो पंचम का गुरु ने बजाया था तबला, तो तबला उन्होंने बजाया था। और वो जो घुंघरू आप देखते हैं ना, वो कावास लॉर्ड करके जो कावास जी सीनियर मोस्ट, तो उन्होंने घुंघरू बजाए थे। तो ये चार आदमी का तो काम है उसमें, तो वो चार आदमी का काम में पूरा कॉम्पिटिशन सिंह राजेश खन्ना सितार बजा रहे हैं और हेमा मालिनी डांस कर रही है, वो थाली वाला डांस है। तो वो सीन आफ्टर द सॉन्ग दैट सीन विल कम, दैट कॉम्पिटिशन सीन। तो कॉम्पिटिशन कैसे होता है, वो बजाने वाले भी ऐसा ही होना चाहिए और गाने वाले भी ऐसे ही होना चाहिए और नाचने वाले भी ऐसे ही होना दिखा चाहिए। दिखा दे लोगों को तो क्या आप देखेंगे तो आपके सामने में रखा है, कोई झूठ बात करने का तो है नहीं, लेकिन जंगल में मोर नाचा किसने, अभी भी मैं बोलूँ क्योंकि सितार किसने बजाया वो देखा नहीं है, सब लोग बोलेंगे राजेश खन्ना ने बजाया। Thank you.
थैंक यू जी। अभी आप बैकग्राउंड का बात कर रहे थे और बता रहे थे बैकग्राउंड म्यूजिक किस तरह से बनता है, तो आपको तो नेचुरली सीन तो दिखाया जाता है, तो उसके हिसाब से आपको वो बैकग्राउंड क्रिएट करना पड़ता है या फिर एक्चुअली वो देख देख के आपको ये करना है, तो उसके बारे में आप कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे लोगों को किस तरह से बैकग्राउंड, हाउ डिफिकल्ट इट इज़? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये बैकग्राउंड म्यूजिक में जैसे कि मोस्टली सोलोइस्ट का जो भूमिका है, थोड़ा जानकार सोलोइस्ट होना चाहिए, थोड़ा वेटरन होना चाहिए, तो वो हिसाब से सोलोइस्ट को उन्होंने म्यूजिक डायरेक्टर बुलाते हैं, तो उनको सिचुएशन और पिक्चर में बता दिया जाता है। जो ये अभी नवरस है, नवरस में मोस्टली जो इम्पोर्टेंट रसा है वो है करुण रसा, श्रृंगार, भक्ति रसा। तो भक्ति रस और करुण रस और श्रृंगार रस, ये तीन रस को ज़्यादा प्रयोग किया जाता है सब चीज़ में। और विभत्स रस, भय रस, ये रस वो दूसरा रस जो है वो तो है ही, लेकिन ये तीन रस का प्रयोग तो सब चीज़ में है, श्रृंगार, भक्ति और करुण रस रोड़ा है। तो अभी म्यूजिक डायरेक्टर, अभी समझ लीजिए पंचम आके मुझे बोल रहे हैं, जो देखिए ये सितार में ये जो हेमा मालिनी रो रही है, तो यहाँ अभी जया भादुरी उस समय जया भादुरी थी, ये रो रही है, तो वहाँ छोटा सा टुकड़ा है 15-20 सेकंड का, वो रो रही है, तो वहाँ बजाना है। तो उन्होंने तो नोट आइडिया दे देंगे, क्योंकि ऑर्केस्ट्रा पूरा बज रहा है, उसकी सिमिलरिटी रखना पड़ता है थीम का, मेलोडी का, लेकिन बजाना तो उनको है। तो अभी वो जो रोने का सीन है ना, वो करुण रस हो गया ना, तो वो रोने का सीन को वो आर्टिस्ट के ऊपर छोड़ दिया जाता है, वो बजाते हैं। तो ऐसे ही हिसाब से बैकग्राउंड होता है। अभी कोई दौड़ रहे हैं तो दौड़ने का सीन आपको, अब एक शॉट आएगा सॉरी वो परिचय में आप देखेंगे, जो उसमें दौड़ने के साथ में सितार कैसे बज रहा है, और सितार बिसुरा था उसको ट्यून कर रहा है उसमें, आपको भी ट्यून करना पड़ा एक्चुअली वहाँ पे बैकग्राउंड में, आपको भी ट्यून करना पड़ा। वो ट्यूनिंग बेसुरा कर दिया सितार को पहले फिर रिकॉर्डिंग के टाइम में फिर ट्यूनिंग कर किया, करने के वो टैंग टैंग आप आवाज सब सुनेंगे, इसमें पिक्चर में देखा जाता है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। तो क्या हुआ, वो सितार ट्यून किया, फिर सितार वो जितेंद्र ने वो सितार को उठाया, उठाने के बाद थोड़ा छेड़छाड़ किया, बजाया, और फिर छेड़छाड़ सुन के वो उधर हीरोइन वो जया भादुरी और बच्चे लोग सब उन लोग आवाज़ सुन के आए, क्योंकि उनका पिताजी सितारिस्ट थे। थीम वाज परिचय में जो संजीव कुमार सितार बजाने वाले थे, तो इसलिए वो जब सितार सुना तो दौड़ के जब आ रही है वो हीरोइन ऊपर से नीचे, तो वो सितार में आप सुनेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा जो मैं सच कह रहा हूँ क्या झूठ कह रहा हूँ, आप देखिएगा वो। लेकिन ये जो गोरी तोरे नैन ये जो है ना, ये थोड़ा सा मैं छेड़छाड़ करता हूँ आप थोड़ा सा, जरूर वो चीज़ सा भी बजेगा नहीं, लेकिन थोड़ा Thank you.
अभी दादा ने जो बताया था परिचय का, वो जो बैकग्राउंड का सीन का जो शॉट था, वो ऑडियो विजुअल में हम देखते हैं। ये सब देख के मुझे अभी सितार सीखने का बहुत शौक हो गया। आपने तो बहुत लोगों को सिखाया होगा सितार, आई थिंक पंचम बहुत लोगों को सिखाया, ये सौभाग्य हुआ मुझे। पंचम की वाइफ को भी आपने? हाँ जी, हाँ जी। तो जब मैं रिकॉर्डिंग बजाता था रेगुलरली दादा के साथ और पंचम के साथ, तो उस टाइम में रीटा पंचम का वाइफ, उनको सितार सीखने का शौक़ हुआ तो मेरा पास शुरू किया था। मैंने उनको कई महीना, मतलब करीब साल भर तक सिखाया था सितार। तो मुझे याद आता है जो बर्मन दादा बैठे रहते थे, मैंने उनको सिखाता था तो प्रशंसा करते थे, क्योंकि जब सुर, जो आदमी सुर में बात करते, सुर में थोड़ा बजाते हैं, उसमें पॉलिटिक्स नहीं होता है। जब सुर में थोड़ा सुर ठीक से लगाया और थोड़ा सुर में बात किया, तो उसमें पॉलिटिक्स में कैसे पॉलिटिक्स उसमें बर्दाश्त किया जाता है, लेकिन पॉलिटिक्स होता है। सुर में बजाते हैं तो भी लोग बोलेंगे बेसुरा बजाया, ऐसा भी कभी सुनने में आएगा। लेकिन क्या होता है, आत्मा को ऐसा लगता है जो सुर में ईश्वर देते हैं, सुर कोई गुरु नहीं दे सकते हैं। सुर जो है ना, जो हाथ में जो ट्यून जिसको बोलते हैं, वो ईश्वर का देन होता है। गुरु खाली टेक्निक सिखाते हैं, गुरु हाथ में ये नहीं दे सकेगा जो सा को कैसे सुर में लगाया जाता है, मीन को कैसे परफेक्ट बजाया जाता है, टेक्निक बताएंगे, लेकिन सुर तो ईश्वर के देन होता है। तो वो जब सुर में बजाते थे तो बर्मन दादा बहुत खुश होते हैं, आप लोग भी खुश होंगे, अगर मैं सुर में बजाऊँगा तो आपको भी अच्छा लगेगा, बेसुरा बजाऊँगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, बेसुरा बात करूंगा तो भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन हम लोग लो प्रोफाइल के आदमी थे पहले, अभी जो मैं आपसे थोड़ा बात कर रहा हूँ, मेरा छाती इतना बड़ा हो गया, क्योंकि इतना वाइब्रेशन मिल रहा है मुझे। मेरा ज़िंदगी में ये वाइब्रेशन फिल्म इंडस्ट्री में तो कभी नहीं मिला, क्लासिकल। सर आँखों में मैं गदगद हो गया हूँ, जो ये फिल्म इंडस्ट्री में बरसों तक फिल्म में रिकॉर्डिंग बजाया, कुछ नहीं मिला उधर, खाली पैसा मिला, लेकिन जॉब सेटिस्फेक्शन जो है ना वो नहीं मिलता है, तो घर में आके रोना पड़ता था।
कुछ भी अच्छा नहीं लगा, कैसे बजाया, ठीक बजाया, नहीं बजाया, आपके सामने में रखा ये क्या अच्छा नहीं है, ये जो बजाया लोगों ने, ये लाखों करोड़ों आदमी ने देखा है इसको, अभी भी देख रहे हैं लोग, तो इसमें खुशी होता है। तो उसमें क्या हुआ, आज जो हमको मिल रहा है ना खुशी, ये खुशी हमको फिल्म इंडस्ट्री में कभी नहीं मिला था। तो आज मैं आप लोगों के बहुत आभारी हूँ और हज़ार हज़ार सलाम कर रहा हूँ, मैं आपको नमन कर रहा हूँ जो आपने हमको हौसला बढ़ा दिया ये उम्र में। और पंचम मैजिक मैजिक जो इन्होंने ये किया है, देखिए मैं नाम याद नहीं रहता है फिर भी मैं बताता हूँ, अंकुश जी, राज जी, महेश जी, आशुतोष जी, संदीप जी, सागर भी, तो इन लोग है, यहाँ पंचरत्न का नाम लिखा हुआ है, पंचरत्न, तो नाम है पंचम मैजिक, और ये रत्न हमारा पास जो नाम लिखा हुआ है पंच, लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ जो ये पंच से नवरत्न हो जाए, पहले एक साल के अंदर नवरत्न होने के बाद सहस्र रत्न हो जाए, ये मैं प्रार्थना करता हूँ, सहस्र रत्न हो जाए ये पंचम जी का यही बरसी, और ऐसे ही सारे दुनिया में फैला जाए, क्योंकि बहुत बड़ा महान आदमी थे, बहुत बड़ा कलाकार थे, बहुत कम समय में, बहुत अल्प समय में चले गए थे। तो ये जो चले जाने से फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ इसलिए क्योंकि उन्होंने रास्ता दिखाया बहुत लोगों को, बहुत कुछ फिल्म इंडस्ट्री में दिया है, कैसे प्रयोग किया जाता है, कैसे आर्टिस्ट को बनाया जाता है, कैसे म्यूजिशियन को उनका सही ट्रीटमेंट, सही क्वालिटी ऑफ म्यूज़िक उनको दिया जाता है जो इंस्ट्रूमेंट में उन्होंने प्रयोग करे। आज आप देखिए, मुझे अगर फ्रीडम नहीं देते तो मैं ऐसा क्लासिकल, ये जो हाथ चल रहा था ऐसा, वो घुंघरू गोपी किशन का घुंघरू था, वो नाच रहे थे पैर में, इतना बड़ा आर्टिस्ट थे गोपी किशन, यंग थे उस टाइम में, हम तो बच्चा था, वो कितने साल पहले की आप देखिए, लेकिन फिर भी मैं जान लगा कि हम लोगों ने कॉम्पिटिशन जैसे ही भाव आ गया उधर, शांता प्रसाद जी भी तबला बजा रहे थे, तो वो सीन आप लोग नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन ये आपने खाली देखा राजेश खन्ना सितार बजा रहे हैं, है ना जी। तो लेकिन आप लोगों को आज हमने बता सका जो सितार मैंने बजाया था, तो ये बहुत बड़ा कंसोलेशन हुआ, बड़ा आनंद हुआ आज, तो आभारी हूँ इन लोगों का, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ इन लोग एकदम चमक जाए, आसमान को छू ले, और पंचम जी का जय जयकार हो जाए विश्व ब्रह्मांड में, बस। कार्तिक जी आपका आशीर्वाद है, आशीर्वाद भगवान का होता है, और लेकिन मैं फिर भी आज जो हमको आनंद मिला, लेकिन मैं छोटा सा आप लोगों को मेरा खुद का एक मन में एक फोक म्यूजिक के आधार से मैं बिना रिदम का मैं बजाऊंगा। पहले मैंने ये परिचय का जो आपने देखा है ना, उसमें आलाप, फिर जोर का अंग था उसमें, फिर तान था उसमें, फिर झाला का अंग था, पूरा सितार का अंग इसमें पूरा दिखा दिया था उसमें, वो सिचुएशन में फिट कर दिया उन्होंने पिक्चर में। लेकिन मैं थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा मेरा जो भी कुछ मैंने इतने बरसों से सीखा, तो इच्छा हो रहा है 5-10 मिनट आपको सुनाऊं, तो आप लोग अगर हाँ बोले तो मैं सुनाऊंगा, नहीं तो बंद कर दूं। जरूर 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 जरूर। पहले मैं यमन कल्याण में बजाया था, वो थोड़ा सा आइडिया देता हूँ मुझे कैसे बजाया था, देखिए। Thank you.
जैसे कि थोड़ा सा आलाप और थोड़ा जोर जैसा झाला जैसा जिसमें बजाया था वो ऐसा नमूना था। अभी मैं थोड़ा सा एक छोटा सा रस का मतलब श्रृंगार का थोड़ा सा आपको सुना देता हूँ। Thank you.
इट वॉज रियली ग्रेट पंडित जी, आप यहाँ आए, इट वॉज रियली ग्रेट. मैं राज नागुल से रिक्वेस्ट करूँगा आपको एक मोमेंटो. धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया. 10 मिनट से इंटरवल, एक मिनट,